हाय फ्रेंड्स, आई एम कौसर एंड यू आर वॉचिंग कौसर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIUS 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि आप सबकी कमेंट्स आ रही थी कि मैं हिंदी मीडियम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी के लिए हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों के लिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन, हिंदी मीडियम के लिए भी ये क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जरूर करके जाने चाहिए। ये आपके क्वेश्चन हैं, आप इनको देख सकते हैं यहाँ से। देखिए, उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन, आपके 6-6 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, तो आपको ये जरूर करके जाने हैं। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें ज़्यादातर क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस देखिए आपसे आ सकता है। लेकिन जैसे कि 25th क्वेश्चन है, स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइज, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करके जाना है। देन उसके बाद में आपका है 26, इन एवरी एंटरप्राइज देर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विद वेरिंग डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ कॉल्ड हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में आ रखा है, और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक साल छोड़ के एक साल बाद क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या फिर आपका हो सकता है कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर करके जाना है। ये हिंदी मीडियम में भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, तो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अपना, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में इन क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, या फिर आप इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, मैं यहाँ पर आपके जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनके पास बिजनेस स्टडीज़ की जो है सब्जेक्ट है, तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई ना किसी ना किसी स्टूडेंट ने क्या कर रखा होगा कि ये बुक्स वगैरह या तो गाइड वगैरह परचेज कर रखी होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि इनके आंसर्स बाकी के स्टूडेंट के पास भी पहुँच जाएँ, या फिर आप भी इनके आंसर्स कर पाएँ। देखिए, अगर आपके पास गाइड है तो आप आराम से इनके आंसर्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन सबके आंसर लिख पाना अभी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं बाकी की वीडियोज़ भी कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास मिल जाएंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप इन क्वेश्चन को टिक करके इनके आंसर मुझे भेज सकते हैं। यहाँ से मैं PDF बना के बाकी के स्टूडेंट तक भी इन क्वेश्चन के आंसर को पहुँचा सकती हूँ, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और बाकी के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर आप चाहते हैं मैं उन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ऑर्ग के क्वेश्चन है कि प्लानिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज एज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विदाउट विच इट मे बी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ प्रॉपर प्लान एंड इंश्योर दैट इम्प्लीमेंटेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब दीज स्टेप्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं, यहाँ पर ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसके बाद में ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे एनी 2 आ रखें या फिर 4 आपसे पूछे जा सकते हैं बैरियर्स, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में भी है, प्रभावी संप्रेक्षण में किन्हीं 2 संगठनात्मक बाधाओं से संक्षेप में समझाएं, ठीक है। तो ये बाधाएं होती हैं बैरियर्स, यानी कि बाधाएं, जो बाधाएं आती हैं, रुकावट, ठीक है। उसके बाद में आपका एक और क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा नहीं, तो आप इसको भी करके जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इन क्वेश्चंस को तो आप जरूर करके जाइएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। जैसे कि यहाँ रखा है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को संक्षेप में समझाइए, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके तो फ्रेंड्स, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो है 22nd क्वेश्चन आपका, इसको आपको जरूर करके जाना है, ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में आपका 11 क्वेश्चन जो मैंने दूसरे क्वेश्चन पेपर में से लिया है, 11 क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 12 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर वाला, ठीक है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आप कर सकते हैं 13 क्वेश्चन भी, एंड आपका जो 14 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप करके जाएंगे। देन है आपका 16 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट है, आप इन क्वेश्चन के आप आंसर भी देख सकते हैं अपनी बुक से।
देन उसके बाद में फ्रेंड्स हम आ जाते हैं आपके, बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की जो हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर आपसे ये प्रिंसिपल बता देंगे कि आपको इनको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। फिर है आपका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों को संक्षेप में समझाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका उसके नीचे फिर 23rd भी आपका इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड डिसीजन वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में है आपका एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव बताने आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर कंज्यूमर राइट वाला भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि चार जो क्वेश्चन है वो आपके लगातार जो चार क्वेश्चन आए हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर करके जाना है। 26th क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दोनों ही क्वेश्चन की आप तैयारी करें, जैसे कि मिडल मैन इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको करके जाएं। उसके बाद में प्लानिंग से एक प्लानिंग आपका चैप्टर है, कंट्रोलिंग है और डायरेक्टिंग, इनसे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जरूर करके जाइएगा। देखिए प्लानिंग और डायरेक्टिंग में यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछ रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी प्लानिंग चैप्टर हो गया, कंट्रोलिंग हो गया और आपका डायरेक्टिंग हो गया, इनसे क्वेश्चन पक्का आता आता है, तो आपको इनके इंपॉर्टेंट्स इनके फीचर्स जरूर याद करके जाने हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सब इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन सबकी जरूर तैयारी करके जाएं। क्वेश्चंस आपके क्या हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर रिपीट हो रखे हैं, यहाँ से ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मार्केटिंग बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तो ये दोबारा दोबारा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोबारा से आपके नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। तो ये आप एक बार याद कर लेंगे, आपको तो एक ही बार याद करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वाला भी क्वेश्चन आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर करके जाना है। उसके बाद में है आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका है एक फाइनेंस वाला 28th क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। देन उसके बाद में आपका है प्रॉपर कम्युनिकेशन वाला इम्पोर्टेंट, ये नहीं करना आपको। नहीं करना है 22nd भी आपको करना है, इसमें लास्ट में आप देख सकते हैं, आपको अगर स्टार्टिंग में ये जो स्टेटमेंट है वो समझ में आया तो आप लास्ट में देखें, एक्सप्लेन एनी 5 points ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन एक पक्का आता ही आता है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करके जाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग हम पहले ऊपर देख चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेशनल लेवल ऑफ सेटलमेंट ये वाला भी आप करके जाइएगा 25th जो है। उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू वेरियस 5 characteristics ऑफ प्रोसेस ऑफ विच वेरियस रिसोर्सेज प्रॉपर डायरेक्शन, ये भी देखिए आपका जो 26th क्वेश्चन है ये डायरेक्शन से और कोऑर्डिनेशन से जो क्वेश्चन आ रखा है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और उसके बाद में है 17th क्वेश्चन जो कि फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार रिपीट होते हुए देखा है, और कंट्रोलिंग वाला भी आपका काफ़ी रिपीट होते देखा सुपरवाइजर से क्वेश्चन, इसके फंक्शंस के लिए ना काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन देख रही हूँ मैं, ये रिपीट होता है, इससे पूछे जाते हैं, तो इनको आप जिन जिनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक के और उनको लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर बाकी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में है आपका ये अभी क्वेश्चन हमने ऊपर ही देखा था, लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देन उसके बाद में है फ्रेंड्स, अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस तरीके से बनता है, 1 marks में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस के, इसका जो PDF है फ्रेंड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम में जो आपके क्वेश्चन आ रखे हैं, जो मैंने इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन बताया वो हिंदी में यहाँ पर आपसे पूछ रखे हैं, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर इनसे अपने जो क्वेश्चन के आंसर हैं उनको यहाँ से टिक कर सकते हैं और इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए हैं, यहाँ पर आपके जो ये क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, इसका PDF ये देखिए, इसके आंसर्स आपके यहाँ सभी गिवन हैं, तो इस इनका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनके आंसर्स की आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे आंसर आपको करने होते हैं, कैसे पूरा क्वेश्चन पेपर करना होता है, ये आपका क्वेश्चन पेपर ही है पूरा, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो ये इस तरीके से आपको इनके रिप्लाई करने हैं और इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं इनके।
तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करके जाते हैं जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं और प्रीवियस ईयर की कुछ और वीडियो मैंने बना रखी हैं, आप उनको भी ज़रूर देख के जाइएगा। तो फ्रेंड्स आपके जो हैं आराम से आप इसमें पास, अच्छे मार्क्स ला के पास हो गए। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर किसी बच्चे के पास में गाइड है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।